ये डीजल आ रहा है सरफेस पे, वहाँ से वो निकलना शुरू हो गया। तो ये है क्रूड ऑयल जो कि वहाँ से निकला है। कितना तेज जल रहा है, इसको कह सकते हैं ये कि वर्ल्ड में फर्स्ट है वैसे। वाल्व खुलेगा और देखिएगा आप, इससे डीजल निकलने लगेगा। ये देखो आप, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। आप सोच रहे हो कि अननोन लोकेशन कौन सा है जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो एक्चुअल में हम लोग अभी कहां पर है सुमित? खरौना। और खरौना इतनी ज्यादा चर्चा में इसलिए है ना क्योंकि यहां पर वो चीज हो रही है जो देश में पहली बार, और वो भी बिहार में, वो भी अपने शहर में। अभी चलते हैं वहीं पर सर्च करते हुए और देखते हैं कि आखिर प्लेस है कहां पे। मधुबनी। तो वी आर इन मधुबनी नाउ और यहाँ से अभी सर्च चल रहा है कि खरौना कैसे जाएंगे भाई। सीधे आगे यहाँ से बता रहे हैं भैया कि यहाँ से सीधे आगे जाएंगे और जहाँ पे ये रोड एंड होगा वहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। और थोड़ा सा ये है ना कि आगे लोगों को भी नहीं पता ये चीज़ की क्या हो रहा है, सभी कन्फ्यूज है यहाँ बैठ के। चलिए भैया थैंक यू। अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं और इसके आने के दो रास्ते हैं। एक तो जो रास्ता मैं था जो कि नया वाला NH4 बन रहा है उससे होकर गया है, दूसरा रास्ता ये है कि जब मुजफ्फरपुर आते हो पता ही एयरपोर्ट आते हैं ना, उसके बाद आप जस्ट अपोजिट में खरौना विलेज का बड़ा सा बोर्ड लगा है और वहाँ से आप यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। और बस ज़्यादा दूर नहीं है, वो वहाँ पर कहीं दूर है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा बट वहीं पर है। अभी वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं एंड फाइनली वी आर हियर। अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सही, पानी पिलाई हुआ कम दादा कम सेट। शहरों में चापाकल कहाँ मिलता है, एकदम ताजा ताजा निकल गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये वाला ट्रेडिशन अभी तक बाकी है यहाँ पर हाथ रख के पानी देने वाला। खटिया बोलते हैं इसको और वहाँ पर भी है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पर शो करके देखा जाए, वैसे ब्लॉग किसी और चीज़ का हो रहा है बट इंतजार में यही हो रहा है भाई। बहुत रिलैक्स, पटना से राइड करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे और जब यहाँ पर ये खटिया मिला तो सच में यार ऐसा लग रहा है कि सो जाए एक बार, एक नींद मार लेते। अब बताइए गद्दा का जरूरत पड़ता है कि नहीं? नहीं यार, इसको जैसे टर्न करो वैसे मज़ा आ रहा है वैसे ही। मतलब हाय, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। और यही वो चीज़ है जो बिहार में धमाल मचा रखी है। नाइस टू मीट यू मंगल भाई। अभी हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे और मंगलम भाई से बात भी करेंगे, बाकी यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सबसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या सब प्रोसेस है, कैसे आखिर वो फ्यूल जनरेट होता है। बिल्कुल। बड़ा सा मशीन देख रहे हैं रॉकेट टाइप का, इसी की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, इवन के बिहार के बाहर भी हो रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं इसको बनाने वाले, हम लोग सीधे उनसे बात करेंगे और फिर इसके मैकेनिज्म समझेंगे कि आखिरकार ये मशीन काम कैसे करती है और इस मशीन से कैसे पॉसिबल है भाई कि प्लास्टिक से हम लोग पेट्रोल और डीजल बना सकते हैं। मेरा पूरा नाम आशुतोष मंगलम हुआ। ओके। मेरा MD हसन। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये बताइए कैसे ये इनिशिएटिव लिया कि ये कितना जरूरी था। आई थिंक 2014 में मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिट हुआ। okay. और KV में मैं एडमिट हुआ तो मुझे पूरी अपनी एक टीम मिली दोस्तों की, जिससे पहली बार हम लोगों की दोस्ती हुई थी और सबको ही का साइंटिफिक टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा था। इस टीम में सुमित कुमार, अमन कुमार, जिज्ञासु, मोहम्मद हसन हमारे साथ में हैं, सुरभि गोस्वामी, शिवानी जो इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हैं, कीर्ति भूषण भारती जो इस प्रोजेक्ट के मेंटर हैं। हम लोगों की सबकी जो क्लास में दोस्ती हुई थी और मेंटर सर तो हम लोगों को 2019 में मिले थे जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को मेंटरशिप दिया था। APJ अब्दुल कलाम की किताब में एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे आप प्लास्टिक को गोल्ड में क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, प्लास्टिक से गोल्ड। प्लास्टिक से गोल्ड। अच्छा, वो आपका गोल्ड कहीं पेट्रोलियम तो नहीं था? यस, दैट इज द गोल्ड इज पेट्रोलियम। ये देखो, पेट्रोलियम वाकई में गोल्ड ही है आज के डेट में, जब हम जैसे कुछ गरीब ट्रैवलर्स को इतने महंगे तेल भराने पड़ते हैं बाइक्स के अंदर। और मैं पटना से यहाँ तक आया ट्रैवल करके, अप्रॉक्स 80-85 किलोमीटर हमने ट्रैवल करा और उसके बाद हमें लग रहा है कि 500 का तेल तो जला ही दिया होगा मेरी बाइक पीछे तक। अभी बताइए क्या है ये एक्चुअली, मशीन कैसे काम करता है? ये मशीन जो है ये बेसिक हमारा एक रिएक्टर है। ये रिएक्टर बेसिकली, इसमें हम 150 kg से लेकर 200 किलो तक
क्रश प्लास्टिक डालते हैं। यहाँ पर वो प्लास्टिक वेस्ट रखा गया है जिसका यूज उस वाले मशीन में किया जाता है। इस प्लास्टिक को यूज करने के बाद वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीजल जो आप देख रहे थे, मैं एक बार यहाँ से अंदर दिखा दूं, ये वो प्लास्टिक है जो किसी के यूज का नहीं है, लेकिन इस प्लास्टिक को बहुत ज्यादा यूजफुल बना रहा है वो मशीन। हमने वेस्ट प्लास्टिक को डाला है और ये पूरी तरीके से लॉक्ड है। यहाँ से हम प्लास्टिक के अलग अलग डिजाइंड वेपर कलेक्ट करते हैं और उस वेपर को एक खास केमिकल प्रोसीजर से। अच्छा मंगलो भाई, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, हाँ, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कचरे से पेट्रोलियम, हाँ, तो ऐसा तो नहीं ना सिर्फ प्लास्टिक ही हम लोग यूज करेंगे? प्लास्टिक बेसिकली कि जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसका तो आप बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उसका तो आप मैन्योर बना लेते हैं, आप खाद उसका बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो एक काफी बड़ा सिरदर्द है और आज कंपोस्ट नहीं होता कभी भी नहीं। और वो सामने आज नगर निगम के पास से हमारे पास प्लास्टिक आया है, वो वहाँ रखा हुआ है और उसी प्लास्टिक को प्रोसेस करके अब इस रिएक्टर में डाला। ये कुछ गर्म कर रहे हैं यहाँ? इसको गर्म नहीं किया जा रहा है, ये एक साइंटिफिक हमारा एक पेटेंटेड प्रोसेस है। इसको नीचे से हम हीट दे रहे हैं, वो हीटिंग अंदर प्लास्टिक के लिए नहीं जा रहा है। अच्छा। वो एक खास प्रोसीजर है। इस डिजाइन के भीतर मोर देन 50-60 कंपोनेंट्स अंदर डाले गए। मतलब ये जो बाहर से दिख रहा है ये बस ऐसा ही है, इसके अंदर पूरा मशीन है। ये पूरे अंदर इसको मशीन को डिजाइन इसलिए किया गया है कि हमने बहुत मेहनत किया इस प्रोजेक्ट पर। ये रहा वो प्रोसेस, आप समझ रहे ना, अभी प्रोसेस की शुरुआत है। और ये एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि इसको हीट किया जा रहा है, बट इसको हीट नहीं कर रहा है, कुछ साइंटिफिक लोचा कह सकते हैं इसको, जो चल रहा है अंदर में इस बॉक्स के अंदर, हाँ। और वो रिएक्शन हो रहा है और उसके बाद फिर जो है ना इसमें जा रहा है। यहाँ से हम लोग क्रूड ऑयल को कलेक्ट करते हैं, मतलब इस वाले टैंक में ये जो है वो क्रूड फॉर्म आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से होने के बाद हमारे इस वाले सेकंड वाले जिसको आप रॉकेट का एक पार्ट समझ सकते हैं, और इस रॉकेट में मोर देन 2000 पार्ट्स अप्लाई किए गए, मतलब इसके अंदर मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ये बस नॉर्मल सा एक पाइप दिख रहा है, टैंक दिख रहा है, ये नॉर्मल सा टैंक तो दिख रहा है, बट इसके अंदर मोर देन 2000 पार्ट्स जो है ना इसके अंदर है, जो कि काम कर रहे हैं उसको बनाने में। देन आफ्टर ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हाँ, जो हमारा डीजल, अगले कुछ सेकंड में आपको यहाँ पर ये सरफेस पे ये दिख भी रहा होगा, इसके सरफेस पे कुछ कुछ चीजें हैं आप देख सकते हैं, अगर आप इसको देख, इसको आप उंगली में देख सकते हो, ये निकलना बाहर के उसके सरफेस पर, ये डीजल आ रहा है, ये जो इसके सरफेस में वहां से वो निकलना शुरू हो गया, वो ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो प्योर डीजल है, वो प्योर डीजल है। अब ये पूरा पहले वहां से प्रोसेस शुरू होता है, देन इस टैंक में होता है, क्रूड ऑयल आता है। ये क्रूड भी आप इसको नहीं कह सकते, ये पूरी तरीके से परफॉर्मिंग है, पूरा परफॉर्मेंस ये देना शुरू करता है। ये जो दो पाइप्स आप यहाँ लगे दिख रहे हैं आपको, ये दैट इज द प्रेशराइज्ड पाइप, पीछे एक लगा है, ऊपर एक लगा है, वहाँ एक लगा है। अच्छा, ये प्रेशर पूरा इस पाइप के अंदर, ये आपको हॉलो पाइप दिख रहा होगा, लेकिन इस पाइप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हमने डाले हैं। बेसिकली इसको जीरो इमिशन सर्टिफिकेट मिला है, मतलब ये कोई भी हार्मफुल गैस का इमिशन नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई कि हम लोग इसको इस तरीके से तैयार किए। ये है भाई साहब, देख लो आप। और मैं मंगलम भाई से बोलूंगा ना कि थोड़ा सा, मतलब कि 100 ml निकालेंगे ना तो 5 ml मुझे दे कि मैं यादगार लेके रखूं उसको। और 5 ml में से भैया 2.5 ml हमको भी दे, 2.5 ml तुम्हें मिलेगा भाई। पेटेंट इसका रजिस्टर्ड हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये पहला ऐसा है। अच्छा, तो इसको कह सकते हैं ये कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा? बिल्कुल आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप कह नहीं सकते हैं, ये मतलब प्रूवन हो चुका है, ये प्रूवन हो चुका है कि ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इतफाक कहीं पे भी हो सकता है। भाई यहाँ पे मटर गश्ती है, बहुत देर से यहाँ पर थे। हेलो, मैं मुकुंद त्रिवेदी मुजफ्फरपुर से। अच्छा, तो ये जो प्लांट लगा है इसको लेकर के एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है अंदर से, क्योंकि ये वर्ल्ड में जैसा बता रहे मंगलम भाई की फर्स्ट टाइम, और वो भी अपने मुजफ्फरपुर में। हाँ, मतलब कि हमारे मुजफ्फरपुर का नाम बहुत जगह पे मतलब फैलेगा इसके कारण। डीजल या पेट्रोल महंगा होता है ना, तो सीधा असर हमारे डेली लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाती है। ओके, नाइस टू मीट यू भाई। नाइस टू मीट। तो ये क्रूड ऑयल जो कि वहां से निकला है, क्रूड फॉर्म में कह सकते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा अंदर। एक्चुअल में क्या है ना कि जो क्रूड ऑयल था, क्रूड कंपोनेंट जो निकला था उससे, उसका टेस्टिंग हो रहा है, उसको बर्न करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और अंधेरा इसलिए कर दिया गया क्योंकि यहाँ के ब्लू फ्लेम को हम लोग देख सके। तो ये देख सकते हो आप कितना तेज जल रहा है, तो आप लोगों ने देख लिया ना अभी कि कितना तेज जल रहा है, एकदम हाईली फ्लेमेबल, जैसा कि हम लोग पेट्रोल पंप से डीजल खरीद के लाते हैं और उसमें माचिस अगर मारे तो कुछ ऐसा ही होगा। अभी बस थोड़ा सा इंतजार और करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से जो मेन चीज निकलने वाली है वो निकलेगी। मंगलम भाई, एक क्वेश्चन कि
कितना प्लास्टिक हम मतलब कि इसमें यूज करेंगे और कितना तेल निकलेगा? अगर आप इसमें एक बार में 200 केजी वेस्ट प्लास्टिक डाल रहे हैं, 200 केजी में 170 लीटर डीजल निकल रहा है। क्या बात है यार, 200 केजी प्लास्टिक जो वेस्ट हो जाता है उसमें से 170 लीटर 170 लीटर तेल निकलेगा। आप सोचो वो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। अभी वॉल्व खुलेगा और देखिएगा आप, इससे डीजल निकलने लगेगा। ये देखो आप, और इसको मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, कहीं आप आना जाना हो तो सुमित यहीं से डीजल ले लेना, मेरा घर बगल में ही निकल जाएंगे यहाँ से लेकर के। तो इस घड़ी का इंतजार हम लोग कर रहे थे और आखिरकार वो घड़ी आप लोगों ने देख ली। मतलब ये काबिले तारीफ कह सकते हैं, अप्रिशिएट करने की चीजें हैं। मंगलम भाई, हसन भाई और बाकी इनके जितने भी टीम मेंबर हैं, उन्होंने ये जो करिश्मा कर दिखाया ना, और जैसा कि बताया जा रहा है कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इस तरह कोई चीज हुई है, तो ये बहुत 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 अपने आप में बहुत फख्र की बात है बिहार के लिए और हमारे लिए। तो हमारा यहाँ पर आना और इतना इंतजार करना सफल हो गया क्योंकि हम लोगों ने बहुत सब्र किया था यार। और मैं यहाँ पर आने के लिए जितनी जद्दोजहद की है ना लोगों से पूछ पूछ के कि मंत्री जी कहाँ गए थे उद्घाटन करने के लिए, तब जाकर के यहाँ पर पहुंचा हूँ मैं। फाइनली अभी यही यहाँ का सफर यहीं पर एंड करते हैं और बहुत ही अच्छा लगा एक बार। मैं भी मुबारकबाद दूं मंगलम भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। हसन भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और बहुत ही अच्छा लगा, नेक्स्ट लेवल की खुशी भी हो रही है यहाँ पर। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ऐसा मिला नेक्स्ट ब्लॉग, तो फिर टेक केयर, बाय बाय।